तो हम सभी देखते हैं कि आरिमा गोकू को अपने साथ ले जा चुका होता है और तभी हम सभी यामोशी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और तभी वो टाइगर्स को वहीं पर खत्म कर देता है और तभी यामोशी गुस्से के साथ कहता है, नहीं आखिर मैंने ये सब कैसे होने दिया, गोकू को मैं बचा नहीं पाया, आरिमा आखिर तुम क्या करना चाहते हो। जिसके ऊपर वेजिटा भी बड़ी हैरानी के साथ कहता है, नहीं वो कहकर रॉड को ले जा चुका है, आखिर कैसे, वो कहां पर गया होगा, वो कहकर रॉड के साथ में आखिर क्या करेगा। जिसके ऊपर हम देखते हैं कि डेंजो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और यामोशी अपने आप से काफी ज्यादा निराश होता है। दूसरी ओर हम सभी अकुमो को देखते हैं जो कि इस समय पर डाइकॉन के साथ में होता है और वो दोनों ही ड्रैगन गॉड ज़ालामा के पैलेस में पहुंच चुके होते हैं और उनके सामने ड्रैगन गॉड ज़ालामा आता है और तभी ज़ालामा अकुमो को देखकर कहता है, तो आखिरकार अकुमो तुम उस डायमेंशन बॉल से आजाद हो ही गए, लगता है कि ज़ेनो ने अपना काम कर दिया। जिसके ऊपर तभी अकुमो ज़ालामा से कहता है, ड्रैगन गॉड ज़ालामा मुझे तुमसे कुछ बातें पता करनी है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी वो बात जानने में। जिसके ऊपर तभी ज़ालामा कहता है, बोलो अकुमो आखिर तुम्हें मुझसे क्या जानना है, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ लेकिन बदले में तुम्हें ज़ेनो के मल्टीवर्स को सुरक्षित रखना होगा। जिसके ऊपर डाइकॉन कहता है, ये सब हमारा काम नहीं है और आखिर भला हम उस मल्टीवर्स को सुरक्षित क्यों रखें। हाँ लेकिन तभी अकुमो कहता है, ठीक है तुम मेरे सवाल का जवाब दो और बदले में मैं उस मल्टीवर्स को सुरक्षित रखने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जो सुनकर डाइकॉन थोड़ा सा हैरान होता है और तभी ड्रैगन गॉड ज़ालामा भी कहते हैं, तो पूछो अकुमो कि आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या पूछना है, मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार आरिमा इस समय पर क्या कर रहा है और जहां तक मैंने सुना है वाकई में क्या पांच ओमनी गॉड का हिस्सा आरिमा बन चुका है, वो ज़ेनोसामा के पिता के खिलाफ क्या वाकई में बगावत शुरू करने वाला है और आखिरकार इन सभी के पीछे उसका मकसद क्या है। मुझे लगता है कि तुम इन बातों के बारे में जानते हो ड्रैगन गॉड ज़ालामा, इसीलिए तुम ओमनी किंग ज़ेनो को बहुत ही लंबे समय से चेतावनी देते हुए आ रहे हो कि बहुत कुछ बुरा होने वाला है, तुम सारी ही बातें जानते हो इसके बारे में मुझे मालूम है, तो बताओ मुझे आखिर क्या चल रहा है। जिसके ऊपर तभी ड्रैगन गॉड ज़ालामा कहते हैं, जैसा कि मुझे लगा था तुम हर एक बात के बारे में जानते हो अकुमो, तो सुनो रही बात आरिमा की तो मुझे भी इस बात के बारे में नहीं मालूम कि आखिर उसका असली मकसद क्या है, लेकिन ये बात सच है कि ओमनी किंग ज़ेनोसामा के पिता के साथ में जो पांच ओमनी गॉड काम करते थे उनमें से एक ओमनी गॉड को आरिमा ने खत्म कर दिया और उसकी जगह आरिमा ले चुका है, यानी कि अब वो पांच ओमनी गॉड जो कि ज़ेनोसामा के पिता के खिलाफ है उनमें से एक आरिमा भी है। मुझे जहां तक लगता है कि वो पांचों ओमनी गॉड इस पूरे की पूरे ओमनीवर्स के अंदर अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं ज़ेनोसामा के पिता को हटाकर, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ज़ेनोसामा के पिता जब तक इस ओमनीवर्स में एग्जिस्ट करते हैं इस ओमनीवर्स के सुप्रीम रूलर सिर्फ और सिर्फ ज़ेनोसामा के पिता हैं और मुझे लगता है कि जहां तक वो पांचों ही ओमनी गॉड ज़ेनोसामा के पिता को खत्म करके इस पूरे के पूरे ओमनीवर्स को अपना बनाना चाहते हैं और वो फिर अपनी तरह से ही इस ओमनीवर्स को चलाएंगे। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, अगर ऐसी बात है तो क्या ज़ेनोसामा के पिता इस समय पर कुछ भी नहीं कर रहे, क्या वो शांत बैठे हुए हैं हमेशा के जैसे। जिसके ऊपर तभी ड्रैगन गॉड ज़ालामा कहते हैं, फिलहाल के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है कि ओमनी किंग ज़ेनोसामा के पिता अपनी नींद के अंदर है जो कि वो हजारों सालों से कर रहे हैं और इसी के पीछे उन सभी गॉड्स ने ये फैसला लिया कि जब तक ओमनी किंग ज़ेनोसामा के पिता अपनी नींद में है वो इस पूरे के पूरे ओमनीवर्स के हर एक मल्टीवर्स को अपना बना लेंगे, जिसके बाद
जब सारा का सारा मल्टीवर्स उनका हो जाएगा और उनके पास सबसे ताकतवर वॉरियर्स भी हो जाएंगे इस पूरे के पूरे ओमनिवर्स के, तब जाकर ज़ेनोसामा के पिता के ऊपर वो हमला करेंगे और इस पूरे ओमनिवर्स को जीत जाएंगे। जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं डाइकॉन भी कहता है, चलो ठीक है, माना कि वो पांचों ओमनी गॉड ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन आरिमा का क्या? वो भला ऐसा क्यों करना चाहता है? मुझे इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, शायद मुझे इसके पीछे का कारण पता है। जिसके ऊपर डाइकॉन कहता है, क्या लॉर्ड अकुमो, क्या आप जानते हो? तो बताइए मुझे कि आरिमा भला इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, शायद इसका कारण एकदम साफ है। आरिमा हमेशा से ही अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहता था, तो उसे मालूम चल चुका है कि अगर एक बार वो एक शक्तिशाली गॉड बन जाता है तो फिर उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। और अगर ज़ेनोसामा के पिता, जिनके पास इस पूरे ओमनिवर्स के क्रिएशन और साथ ही में डिस्ट्रक्शन की पावर है, अगर वो उनकी जगह पर आ जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है। यानी कि जिन सैयन प्रजाति को बरसों पहले यामोशी के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया था, और समय के साथ जो सैयंस पहले ही खत्म हो चुके हैं, उन सैयंस की खास प्रजाति को भी शायद आरिमा वापस लाना चाहता है, क्योंकि आरिमा शुरुआत से ही हेरोइक सैयन जैसा बनना चाहता था, और उन्हीं हेरोइक सैयन का हिस्सा आरिमा के पिता भी थे। जो सुनकर डाइकॉन हैरानी के साथ कहता है, क्या आखिर ये हेरोइक सैयन क्या है, और क्या मुझे इसके बारे में नहीं मालूम? आरिमा के पिता भी उनमें हिस्सा है, लेकिन कैसे लॉर्ड अकुमो, मुझे आपकी बात पूरी तरीके समझ में नहीं आई। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, शांत हो जाओ, समय के साथ मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा डाइकॉन, लेकिन फिलहाल के लिए जालमा मुझे ये बताओ, तुम तो पाश देख सकते हो, तो तुम हम सैयन का पाश देखो और मुझे बताओ मेरे बाकी के साथी क्या वापस मेरे पास आ सकते हैं, और क्या वो जिंदा है? आरिमा और डाइकॉन तो मेरे पास आ चुके हैं, और मेरे बचे हुए वो पांच साथी क्या वो भी आ सकते हैं? तुम पाश देख सकते हो तो मुझे बताओ कि आखिर वो इस समय पर कहां पर है, क्या वो जिंदा है या फिर? जिसके ऊपर तभी जालमा कहते हैं, क्या वाकई में क्या तुम उनके बारे में जानना चाहते हो? लेकिन क्यों अकुमो, मैं ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हूं। तुम्हें मालूम है ना कि बरसों पहले तुम्हारा हर एक साथी मारा गया था, तो कोई भी जिंदा नहीं हो सकता, और ना ही मैं उन्हें जिंदा करने की परमिशन दूंगा तुम्हें, क्योंकि तुम लोग तबाही से कम नहीं थे। तुम्हारे सात साथी और तुम अकुमो, अगर तुम्हारे भाई ने उस समय तुम्हें शांत रहने को नहीं कहा होता और तुम्हें उसने पूरी तरीके से बदला नहीं होता, तो आज तुम पुराने वाले ही सैयन पिता होते, और हर एक शख्स को और शायद सभी गॉड्स का तुम खत्म कर चुके होते। जिसके ऊपर तभी अकुमो अपनी आंखों को नीचे करता है और वो कहता है, लेकिन जालमा, तुम्हें इस बात के बारे में मालूम है कि मैं पहले के हिसाब से पूरी तरीके से बदल चुका हूं, तो मैं बस अपने सैयन साथियों के बारे में जानना चाहता हूं। मुझे बताओ कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ है, और क्या वो जिंदा है या फिर नहीं। जिसके ऊपर जालमा काफी ज्यादा सोचने लगते हैं, और तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन गॉड जालमा ध्यान लगाने लगते हैं, जो देखकर डाइकॉन मन ही मन कहता है, वाकई में क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे सभी साथी जिंदा होंगे? जिसके ऊपर तभी ड्रैगन गॉड जालमा काफी देर तक ध्यान लगाने लगते हैं। अकुमो भी ड्रैगन गॉड जालमा को बड़ी गौर से देखने लगता है, और तभी ड्रैगन गॉड जालमा कहते हैं, नहीं अकुमो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे बाकी के पांच साथी इस समय पर वो जिंदा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने पास्ट में देखा है, चार लोग तो मारे गए थे, लेकिन तुम्हारा जो एक पांचवा साथी था, शायद वो अभी भी जिंदा हो सकता है, लेकिन मुझे उसके बारे में इतना पता नहीं चला कि आखिरकार उसकी मौत कैसे हुई थी और वो इस समय पर कहां पर है। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, तो मुझे बताओ कि आखिर वो मेरा कौन सा साथी था जो कि इस समय पर जिंदा हो सकता है। जिसके ऊपर तभी ड्रैगन गॉड जालमा कहते हैं, मैं उसके बारे में पूरी तरीके से नहीं कह सकता,
लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि अगर वो जिंदा है तो वो इस समय पर तुम्हारे मल्टीवर्स के अंदर ही है, तो तुम्हें वहीं पर जाके उसकी तलाश करनी होगी। लेकिन मैं पूरी तरीके से नहीं कह सकता वो जिंदा है या फिर नहीं, क्योंकि मुझे उसकी मौत दिखाई नहीं दी थी। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, ठीक है ड्रैगन गॉड, तो मैं चलता हूँ। जिसके ऊपर तभी जालामा कहता है, रुक जाओ, इसे भी अपने साथ लेते हुए जाओ। मुझे मालूम था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे, इसीलिए मैंने इस सैयन को यहाँ पर रोक रखा था। सेंजिरो, सामने आओ। और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर सेंजिरो आता है, जो कि अकुमो को देखकर कहता है, आप फादर ऑफ सैयन हो ना? लॉर्ड अकुमो, मेरा नाम सेंजिरो है। और मैं, जो सुनकर हम देखते हैं कि अकुमो काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहता है, सेंजिरो डारिया का बेटा, मैंने सही कहा ना? जो सुनकर सेंजिरो काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहता है, बिल्कुल लॉर्ड अकुमो, मैं डारिया का ही बेटा हूँ, क्या आप मेरे पिता के बारे में जानते हो? जिसके ऊपर तभी अकुमो शांत हो जाता है और वो दाइकोन से कहता है, दाइकोन इसे हमारे साथ ले चलो। ये कहने के बाद अकुमो वहां से चले जाता है और तभी हम सभी दाइकोन को देखते हैं, जो कि सेंजिरो को लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर हम सभी यामोशी, वेजिटा और साथ ही में डेंजो को देखते हैं, जो कि अभी तक काफी ज्यादा निराश होते हैं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने से ही हम देखते हैं कि आरिमा गोकू को ले जा चुका होता है। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो कैकरॉट को कहां पर लेकर गया है? चाहे वो कैकरॉट को कहीं पर भी लेकर क्यों ना चले गया हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और मैं उसे खत्म भी कर दूंगा। ये कहने के बाद वेजिटा वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी यामोशी हम देखते हैं कि वेजिटा को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ वेजिटा, पहले ही मैं एक गलती कर चुका हूँ और ये गलती मैं तुम्हें दोहराने नहीं दूंगा। इस समय पर तुम्हारी माँ का सामना नहीं कर सकते, ये तुम भी जानते हो। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, तो क्या मैं चुपचाप यहाँ पर बैठा रहूंगा? जिसके ऊपर तभी यामोशी कहता है, सब्र रखो, आरिमा के बारे में मुझे इतना तो मालूम है कि वो गोकू को कुछ भी नहीं करेगा, वो गोकू को अपने फायदे के लिए लेकर गया है। लेकिन इस समय पर तुम्हें ताकतवर बनना होगा, अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, क्योंकि इस समय पर हमारे ऊपर और भी बड़े खतरे आने वाले हैं। आरिमा उन पांच ओमनी गॉड का हिस्सा बन चुका है और साथ ही में ओमनी गॉड बेनकाई का गार्डियन भी यहाँ पर आया था, जिसे मैंने खत्म कर दिया है। तो बहुत जल्दी बहुत कुछ आने वाला है, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। जो सुनकर वेजिटा हैरान होता है और तभी हम सभी देखते हैं कैंसाई हंसते हुए कहती है, बेचारे सैयंस, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग बच पाओगे? मुझे नहीं लगता। जो कुछ भी इस समय पर हो रहा है उससे तो यही लगता है कि तुम सैयंस का खात्मा होने वाला है, और वैसे भी बहुत ही जल्दी मैं इस मल्टीवर्स की ओमनी क्वीन बनने वाली हूँ। मेरे वॉरियर्स यहाँ पर आते ही होंगे। और तभी हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर एक शख्स आता है जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, और तभी वो कैंसाई से कहता है, माय लॉर्ड कैंसाई, मुझे माफ करना कि मुझे आने में देरी हो गई। लेकिन हम देखते हैं कैंसाई काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहती है, क्या तुम यहाँ पर? लेकिन तुम अकेले क्यों हो? मेरे बाकी के वॉरियर्स कहाँ पर हैं? जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन हमारे सारे वॉरियर्स मारे गए। जो सुनकर कैंसाई काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहती है, क्या आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ये भला कैसे हो सकता है? जिसके ऊपर तभी वो कहता है, हम इस मल्टीवर्स के बाहर खड़े थे, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि हमारा सामना एक ऐसे सैयन से हो जाएगा जिसके बारे में हमने सुना था, लेकिन उसने एक ही झटके में सभी को खत्म कर दिया, पर उसने हमें जिंदा छोड़ दिया। जिसके ऊपर तभी कैंसाई कहती है, क्या? लेकिन भला ऐसा कैसे हो सकता है? तुम सभी वॉरियर्स को किसने खत्म कर दिया? मुझे बताओ कि वो कौन था? जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, वो सैयन और कोई नहीं बल्कि फादर ऑफ सैयन अकुमो था, जिसने सभी को एक ही झटके में खत्म कर दिया। जो सुनकर कैंसाई काफी ज्यादा हैरान होती है और वो कुछ भी नहीं बोलती। जिसके ऊपर तभी यामोशी कहता है, लगता है कि अकुमो बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाला है, बस हमें तब तक का इंतजार करना है, और उसके बाद वेजिटा
तुम्हें भी शक्तिशाली बनना होगा, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है। हम सभी को भी एक साथ मिलकर काम करना ही होगा। जिसके ऊपर तभी हम सभी आरिमा को देखते हैं, और तभी हम देखते कि आरिमा के सामने गोकू होता है, जो कि इस समय पर बेहोश होता है। गोकू को धीरे धीरे कर होश आने लगता है और गोकू कहता है, क्या आखिरकार मैं कहां पर हूं? ये जगह कौन सी है? और तभी गोकू को आरिमा की आवाज सुनाई देती है। आरिमा कहता है, तो आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया, और मुझे कब से इस पल का इंतजार था। गोकू,